हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा एक विषय इंग्लिश में स्मॉल लेटर क्यू आर एस टी यू का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्यू लेटर को कैसे लिखना है। तो नंबर वन स्टेप से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको राउंड घुमाते हुए पेन ऊपर ले जाना है, वहाँ से दूसरा स्टेप नीचे और तीसरा स्टेप राइट की तरफ आपको जाना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट दिया है वो देख लेते हैं। शुरू करेंगे सेकंड स्टेप एंड थ्री स्टेप। फिर आपको देखिए यहाँ पर आपको क्विल दिया है, क्विल यानी कि पंख, क्यू यू आई डबल एल क्विल। ठीक है, तो आप उसको आपको पहले गाढ़ा करते हुए उसके अंदर आपको कलर फिल करना है। इस सारे डॉट को जोड़ देंगे हम और ये हो गया हमारा फिल क्विल रेडी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको फोर लाइन में कैसे लिखना है, तो आपको क्यू स्मॉल लेटर का क्यू लिखने के लिए आपको दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है। इस तरीके से नीचे आते हुए दूसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, चौथी लाइन में जाएंगे ऊपर, क्यू फोर क्विल, क्यू फोर क्विल, क्यू फोर क्विल एंड क्यू फोर क्विल। ठीक है, तो फोर लाइन में इस तरीके से आपको क्यू लिखना है। फिर दिया है आर फोर रोज। रोज के अंदर आपको स्टेप वन के अंदर आपको पहले सीधी लाइन करनी है, फिर सेकंड इस तरीके से कर्व बनाना है। चलिए, तो फिर आपको रोज दिया है। यहाँ पर आपको जो लेटर दिया है रोज आर, आर फॉर रोज, उसको पहले आपको डॉट गाढ़ा करना है डॉट को जोड़कर। फिर यहाँ पर फ्लावर की आकृति दी है, उसको भी हम जोड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके द्वारा आप अच्छे से रोज बनाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रोज। रोज का कलर कौन सा होगा बच्चों? इसमें आपको पिंक कलर भरना है या आप जो कलर का आपको रोज़ बनाना है वो कलर आप फिल कर सकते हैं। रोज़ का कलर होता है रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज। ठीक है, ये सारे कलर के और रोज़ होते हैं। तो स्मॉल लेटर में रोज़ आपको दूसरी और तीसरी लाइन का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। आर फॉर रोज़, आर फॉर रोज़, आर फॉर रोज़ एंड आर फॉर रोज़। एस फॉर स्टार। ठीक है, एस फॉर स्टार दिया गया है, तो इसको आपको वन स्टेप से नीचे आते हुए टू स्टेप को पूरा करेंगे। ये हुआ एस फॉर स्टार। तो ये स्टार को पहले फिल कर लेंगे। ठीक है, स्टार का स्पेलिंग है एस टी ए आर। यहाँ पर जो लेटर लिखा है उसको भी लिखेंगे एस फॉर स्टार। स्मॉल लेटर का स्टार आपको दूसरी और तीसरी लाइन का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। एस फोर स्टार, एस फोर स्टार, एस फोर स्टार एंड एस फोर स्टार। ओके, चलिए। उसके बाद है टी। टी फोर के अंदर वन स्टेप आपको सीधी लाइन लेते हुए राइट में जाएंगे, फिर तीसरे स्टेप के अंदर आपको आड़ी लाइन बनानी है। तो ये हो गया हमारा टी फोर टॉय। टी ओ वाई, टॉय यानी खिलौना। ये हो गया हमारा टेक्स्ट टी। चलिए, अब इसको जो आकृति दी है उसको हम फिल करेंगे। टी ओ वाई टॉय। चलिए, तो टी फोर टॉय आपको किस लाइन में लिखना है, तो आपको फर्स्ट लाइन से शुरू करना है। पहली लाइन से शुरू करते हुए दूसरी लाइन और तीसरी लाइन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी लाइन पे आपको आड़ी लाइन बनानी है। तो ये हो गया हमारा टी फोर टॉय। टी फोर टॉय एंड टी फोर टॉय। उसके बाद है यू फोर ऑन। ऑन का मतलब होता है बड़ा वाला फूलदान। ठीक है, आपके घर पे भी रखा होगा, उसको आप ऑन कह सकते हैं। यू आर एन ऑन। तो यू कैसे लिखना है, आपको पहला स्टेप है इस तरीके से, दूसरा स्टेप आपको खड़ी लाइन बनानी है। तो यहाँ लेटर में भी लिखेंगे U फोर ऑन। और आपको ये जो ऑन दिया गया है उसको आपको
डार्क करना है। ये हो गया हमारा ऑन। चलिए, ऑन का यू जो है वो आपको दूसरी और तीसरी लाइन में लिखना है, ठीक है। ये हो गया यू फोर ऑन। उसके बाद है वी फोर वैन। वी फोर वैन, तो जैसे कैपिटल में लिखते हैं वैसे स्मॉल में भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर वी ए एन वैन, और ये हमारी वैन जो दी है उसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। आपको जिस कलर की वैन बनानी हो आप बना सकते हैं। वैन ज़्यादातर आप वाइट कलर की देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कलर फिल करना है तो आपको जो कलर की आपको वैन चाहिए वो आप उसमें कलर फिल कर सकेंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पर वी को आपको दूसरी और तीसरी लाइन में लिखना है। ये हो गया वी फोर वैन, वी फोर वैन एंड वी फोर वैन। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो लेटर सीखे हैं, क्यू फोर क्विल, आर फोर रोज, एस फोर स्टार, टी फोर टॉय, यू फोर ऑन एंड वी फोर वैन, ये आपको पूरे जो 6 लेटर हैं इन सब का आपको अच्छे से अभ्यास करना है और अपनी प्राइमर में लिखना है। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।